Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. This is Sakshi Binjal and the view is actually marvelous. And पता है अभी तक the thing is यहाँ network की बहुत कमी है जिसके वजह से मेरा vlog upload नहीं हुआ. And क्या ही बताऊँ, दिन इतना प्यारा है ना. सो रात कल रात पूरी मतलब बारिश हुई, सुबह बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मैं बिल्कुल बाहर नहीं आई. एंड दिस इज़ द ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में और भी चीज़ें हैं बट दिस इज़ एक्चुअली सर्व ब्रेकफास्ट से पहले. लुक एट दिस, दिस इज़ अ फ्रेश जूस, एप्पल, बनाना. यहाँ का आई जस्ट लव दिस प्लेस. मतलब लुक कि यार कितना प्यारी जगह है एंड कितना ऑसम एनवायरनमेंट है. प्यार हो जाए इस जगह से आकर. और ऐसा नहीं है कि मतलब ये छोटी मोटी जगह हो, पूरा 85 एकड़ में बनी हुई जगह विद बहुत अच्छा स्टाफ. और सबसे ज़्यादा चीज़ पता है, यहाँ पे गर्ल्स स्टाफ को बहुत अच्छी प्रायोरिटी दी हुई है विच फील्स प्राउडफुल समटाइम्स. मुझे नहीं लगता गाइस आज की तारीख में व्लॉग अपलोड होगा, बहुत लेट हो चुका है. दो ना इधर, यहाँ रखो ना, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. तो दिस इज़ लाइक यू नो, इन्होंने ब्रेकफास्ट सर्व किया है. सो दैट्स ऑल. एक्चुअली कौन सा पराठा है वो? आलू पराठा. और ये क्या है? क्या? इडली. इडली, दही एंड हनी एंड मीठा. मीठे में खीर, इट्स गोना बी यम्मी. मैंने लिया है ब्रेकफास्ट में पूड़ी और आलू की सब्जी एंड अचार. यस. गाइस बारिश हो रही है यार, बहुत तेज. वो भी दिस इज दैट एरिया जहाँ पे मैंने कल वॉकिंग करी थी. मैं सिर्फ बैठी हुई थी कल बिल्कुल उस पार. लुक एट द व्यू एंड द मौसम इज अमेजिंग. तो गाइस ये इडली नहीं है, ये असामी क्या है, ट्रेडिशनल डिश. टिकली पिचा. टिकली. टिकली पिचा. और इसके अंदर नारियल है और तीर होगा, चीनी होगा. चीनी है. ओके. तो गाइस अब यहाँ पे इनकी लाइव किचन है जैसा कि मैंने आपको बताया. तो मैं ब्लू लैगून पीने वाली हूँ. जैसा कि आज नेट बहुत स्लो चल रहा है तो मेरा ब्लॉग अपडेट नहीं हुआ था. आई फील बैड अबाउट इट बट यू नो व्यू एक्चुअली इज ब्रेथ टेकिंग. और पता है तुम्हें बेस्ट पार्ट, मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ भूटान के बॉर्डर से 1 घंटा दूर और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से अराउंड 18 किलोमीटर दूर. सो आई एम गोना गो. कहाँ जाऊँ बताओ गाइस, कमेंट करके बताओ मैं कहाँ जा सकती हूँ, भूटान या अरुणाचल प्रदेश. टच पे आती है चेस खेलना. और पता है आर्चरी भी है, मैंने आर्चरी मेंशन नहीं करा, अगर आप लोग वो आर्चरी भी आ गए और बड़ा होस्ट आज हम होस्ट से मिलेंगे. तो ये सारे खाना खाने के प्लेसेस हैं, ये हमने आज क्रॉस करना है. और आज हम भूटान बॉर्डर पर जाने के लिए सोच रहे हैं बट उससे पहले ये जो हम जगह एंटर करने जा रहे हैं ये यहाँ के सबसे बेस्ट रूम है. मुझे पता है आपसे रेट शेयर करना है, मैंने अपने रूम का नहीं करा, मैंने अभी तक रूम शेयर. इस रूम का नाम है महाबाहू. महाबाहू में लोग हैं. बाहुबली माँ बाहु में लोग हैं. तो हम तो रूम कवर कर रहे हैं एक एक डिचांगे. वो वाला ज़्यादा बड़ा है ना, ये दिखाओ है. महाबाहू ज़्यादा बड़ा रूम है ना, महाबाहू. हाँ अभी लोग हैं वहाँ पे. हेलो. अच्छा महाबाहू का मैं आपसे रेट जरूर शेयर करूँगी मगर महाबाहू के दो रूम साथ और रूम है, ये इसका सबसे लास्ट रूम में से एक है. और भैया लाइक ऑन कर दो. सबसे ट्रेडिशनल पता है चीज़ कि आप बाहर चप्पल उतार के जाते हो. सो अगर मैं इस रूम में एंटर करती हूँ तो दिस इज लाइक आराम से एक फैमिली यहाँ पे रह सकती है. इतना बड़ा ब्रेड, आई गेस 4-5 जने आराम से यहाँ पे रह सकते हैं. एंड लुक एट दिस प्लेस, वाओ भाई बहुत सुंदर है ये रूम आपका. यार ये बाथरूम बहुत प्यारा है, ये हमारे वाले रूम से प्यारा है. मेरे सामने हॉर्स है गाइस, तुम्हें हॉर्स राइडिंग आती है? ओके, छोटा वाला मगर चेस देखा कितना बड़ा है. ये छोटा नहीं है तो मैं लग रहा है, मुझे लग रहा है हाइट छोटी है. वो देख हो रहा बड़ा, ये भी छोटा, ये भी सेम ही है, दोनों बराबर, दोनों मेल है. ओ मैं ना जा रही इनके पास. जीला ग्राउंड. हाँ अभी ग्राउंड जीला है, आज बारिश हुई है ना बहुत. और ये सामने सारा टी फार्म है, ऑर्गेनिक टी प्लांटेशन है बिल्कुल सामने तुम्हारे. सो
सो वी जस्ट फिनिश द फूड. अभी हम लोगों का प्लान मोस्टली प्रोबेबली यही है कि यू नो हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलें और आपको बाहर की जगह दिखाएं. सो दिस आर ऑल्सो द सिटिंग एरियाज. I told you that's a boarding point. Guys, पता है मतलब ये जो रिवर है ना सामने की तरफ ये अरुणाचल प्रदेश से आ रही है और ये दूसरा शहर मतलब स्टार्ट हो जाता है विद इन दिस एरिया असम के. मेरे लेफ्ट साइड जो है मतलब मेरे सामने की तरफ ये एरिया आपका जहाँ पे इनके मतलब स्टाफ मेंबर्स रहते हैं वो है. मुझे उसके साथ कुछ खुराफात करनी है, प्रैंक करना है, प्रैंक. चलो तुम जाओ उधर से, मैं इधर से जाऊंगी. दैट इज स्विमिंग पूल एरिया, बट अभी मेंटेन नहीं क्योंकि यहाँ पे मॉनसून चल रहा है. यहाँ पे रैबिट्स है. उई स्लाइड स्लाइड डैड. सो गाइस रैबिट्स को चेक करो. रैबिट्स सो गाइस इनकी अपनी नर्सरी भी है. So if you want to pick up, you can pick up the plant. These are my favorite plants, double plants, home plants. Wow. देर ना करते हुए ना guys चलते हैं because हम लोगों को border जाना है. That is cactus. That's awesome. हम लोग border जा रहे हैं जैसे मैं बता ही चुकी हूँ. The double plant is $7.99. So let's go to the border. You can buy the plants as well, मतलब. So guys यहाँ पे भी ना जो ladies है ना वो साड़ियाँ पहनती हैं basically. मतलब साड़ी तो ऐसा लगता है कि हमारे पूरे यहाँ की कल्चर की ड्रेसेस हैं ऑल ओवर इंडिया. और अगर आप यहाँ के घरों को गौर दोगे ना तो सारे घर एक मंजिला ही बने हुए हैं और मोस्टली घर जो है ना वो उनके ऊपर ऐसी शेड्स हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे बारिश रहती है. सो अगर आप बॉर्डर विजिट करोगे ना इट जस्ट यू मतलब आई मीन वन आर अवे फ्रॉम द स्टे ऑफ कनोका. एंड ये सारी रिवर वहीं से आ रही है भूटान से ही. बट हम पैदल जा सकते हैं. अब भूटान में स्टिल इट्स देयर इज अ लॉकडाउन सो हमने गाड़ी वहाँ पार्क करी है एग्जैक्टली और हम पैदल जा रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने. सो हैप्पी टू गो. दिस इज द बस फ्रॉम द भूटान और ये भूटान जा रही है बस. मतलब रोडवेज जा रही है और हमें अलाउ नहीं है पर्सनल गाड़ी को भी. अब क्या करें, वेट अंदर चले गीले हो जाएंगे नहीं तो यहाँ तो. तो गाइस हमारा बॉर्डर क्रॉस हो चुका है. आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको पीछे कैमरा मोड़ के दिखाती हूँ. एक मिनट कीचड़ क्रॉस करने दीजिए सारे छोड़ दो. सो हमारा बॉर्डर क्रॉस हो चुका है एंड दैट्स द बॉर्डर पीछे. आई एम सो हैप्पी. सो किसी ने इंडिया जाना है पीछे नहीं लेकिन नहीं जा रही क्योंकि भूटान की जो बसेस आती है ना उनको आना ही पड़ता है क्योंकि जो कुछ पांच डिस्ट्रिक्ट है
पांच डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है और कुछ चार पांच गांव है। हाँ इंडिया से होके जाए बॉर्डर एरिया तक, इंडिया का एरिया वो आगे फिर भूटान। सो गाइस यहां पे भारत पेट्रोल पंप में भूटान में एंटर करते ही राइट साइड पे किसी की गाड़ी में तेल खत्म हो जाए तो भर सकता है। अरे यहां पे सारी डस्ट मिलेगी, मतलब अगर शाम को डस्ट कौन मिलेगी। सो गाइस ये है क्या है बोलो क्या असम ये है अरुणाचल प्रदेश और मैं जहाँ खड़ी हूँ मेरे पीछे है भूटान। मैं बीचों बीच खड़ी इस वक्त। इट वॉज ऑसम यू नो, मतलब इतना सा भी जाना ऑसम था क्योंकि अभी एंट्री नहीं है अरुणाचल में, मतलब सॉरी भूटान में अभी भी वो है लॉकडाउन। ये रिवर अरुणाचल से ही आ रही है, भूटान से नहीं आ रही। नहीं, नहीं ये डैम है यहाँ पे बाबे पता नहीं देख। पहुंचने के बाद मेरे पास तो BSNL से लेके जियो से लेके कोई नेटवर्क नहीं है, बट ये अरुणाचल प्रदेश अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ ये जगह हमारे कनोका विलेज के रिजोर्ट से कम एक घंटा दूर है। तो अभी हम अपना नेक्स्ट पहुंचने वाले हैं और ये जगह पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कहते हैं शिव जी का भी मंदिर है जो भूटान में शिफ्ट हो गया, बट अभी भूटान के बॉर्डर होने बंद होने की वजह से ना लोग कम आ रहे हैं इस तरफ। आई गेस यहाँ पे जो ये आवाज़ें सुन रहे हो आप, ये धुआं देख रहे हो सामने, यहाँ पे फायरिंग प्रैक्टिस हो रही है, किसी चीज़ की तो प्रैक्टिस चल रही है। ये आवाज़ें कुछ इस तरफ से आ रही है। वेल्दी की सादा टैरिफ प्राइस पूरा मतलब कोटेजेस के, मैं जिसमें रुकी थी वो फर्स्ट वाला था दालिमी, एंड इफ़ यू वांट टू बुक यू कैन कनेक्ट देम थ्रू दी इंस्टाग्राम और यू कैन कॉल देम। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो विद द न्यू प्लेस।